जब आपकी मीटिंग हुई या जब आप एम्बुलेंस में लेकर बैठे शिवम को, कैसी कंडीशन थी उस वक्त शिवम की? क्या बोल पा रहा था, क्या बता पा रहा था उस वक्त? उस समय मैम बोल तो कुछ भी नहीं पा रहा था वो, बस एक क्या होता है ना कि व्यक्ति जब छटपटाता है उसी वैसी स्थिति थी, वो पूरा छटपटा रहा था क्योंकि उसको सिर में गंभीर चोट आई है, खुलेआम बंदूकें चलाई गई है यहाँ पे। क्या हुआ था उस दिन? वे कहाँ से आई है, किसने इनको फंड किया है, कहाँ से खुली बंदूकें आई है, क्या पता? मंथन, 10 तारीख को क्या हुआ था एग्जैक्टली? कब शिवम घर से निकला, कैसे उसके साथ ये घटना घटी, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। हमारे घर के आसपास ही थे इसी एरिया में, क्योंकि मैं, हाँ, 10 तारीख को पूरा खरगोन में इसका माहौल था राम जी के जुलूस का, क्योंकि हर साल निकलता है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है। हम, मेरा परिवार हिंगलाज माता मंदिर के पुजारी हैं हम, तो नवरात्रि भी चल रही थी, उसी के कार्यक्रम में हम लोग सब लगे हुए थे, भंडारा भी था। तो उसी के बाद यहाँ से मुस्लिम मॉब ने बिल्कुल पथराव चालू कर दिया, गोलियां चल रही थी, उसी में मेरा भाई घायल हुआ। उसके बाद हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ से उसको इंदौर रेफर करने के लिए कह दिया गया CMO साहब ने। उसके बाद उसकी अभी जो हालत है वो तो आप देख ही पा रहे हैं। अभी होश आ पाया है क्या शिवम को? खुलेआम गोलियां चली है और बुरके से भी पथराव हुआ है, बुरका पहन के। हेलो, होश आ पाया क्या शिवम को अभी तक? मंथन, नहीं अभी तक तो होश नहीं आ पाया है, नहीं अभी तक तो होश नहीं आ पाया है। मैं देख रही हूँ कि मामी भी साथ में बैठी हैं, बीच में शायद आंखें खोली थी पर अभी तक होश नहीं आया, होश नहीं आ पाया अभी तक। मैं देख रही हूँ कि सुलभा जोशी जी और, हाँ, सुनैना जोशी जी भी हैं। मंथन, आप ही मेरा ये सवाल उनके सामने भी रख दें कि अभी, हाँ, जो शिवम की कंडीशन है, परिवार बड़ी तकलीफ में है इस वक्त कि बस किसी भी तरह से बेटा ठीक हो, उसकी तबीयत ठीक हो, लेकिन हमें ये भी खबर मिली कि 2 दिन बाद तो बहन की शादी थी, अभी क्या हो रहा है फैमिली में? अभी फैमिली में जो वर पक्ष है, लड़किया का परिवार है, वो बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने खुद ने कहा है कि जब तक बच्चा ठीक नहीं होता है, हम लोग दोनों परिवार मिलकर ये डिसीजन लिया है कि तब तक शादी आगे बढ़ा दी गई है, जब तक वो ठीक हो कि घर नहीं आता तब तक शादी आगे बढ़ाइए। सुलभा जी से पूछिए कि क्या इस वक्त उनके भीतर चल रहा है, क्या वो चाहती हैं कि इस परिस्थिति में क्या हो उनके लिए, शिवम के लिए, परिवार के लिए। कब पूछना है कि अभी आपको कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है आपके भीतर परिवार के हिसाब से? परिवार क्या, हम तो डर खौफ लेके बैठे हैं मन में। क्यों क्यों डर लग रहा है उनको अभी, किस तरह का भय है उनके भीतर? बच्चे के प्रति जितना वो हैं चिंतित, उतने ही आप लोग भी हैं, लेकिन हम परिवार वाले यहाँ भी उतने ही चिंतित है। मोहल्ले के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से यहाँ पर भी कभी कभी हमारे पर हमला हो सकता है। हम डर के मारे बिल्कुल एक डर की अवस्था में हम मोहल्ले में जी रहे हैं। चारों जने घर में के घर में बैठे रहते हैं, बच्चे के हालचाल पूछते रहते हैं। हेलो, क्या कर सकते हैं अब आगे, हम कंडीशन बोलने की स्थिति में नहीं। हमारा बच्चे की क्या हालत है? जो मामी हैं शिवम की, एक बार उनसे भी जरूर मेरा ये सवाल उनसे पूछेगा कि जो वो कह रही हैं कि हम डर में जी रहे हैं, दहशत है मन में, मोहल्ले के हालात को लेकर, ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है? क्या घर से बाहर, क्या घर से बाहर जाने को लेकर मन घबरा रहा है? उनसे पूछिए जरा एक बार मंथन। उनका कहने सवाल ये है कि क्या आपको अभी भी घर से बाहर निकलने में मन घबरा रहा है, या फिर इस स्थिति को लेकर के? डर लगता है, हम बाहर निकलने में भी दहशत, अपने आप में दहशत महसूस करते हैं कि बाहर निकलेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे पर और हमला हो जाए। उस दिन अचानक इतना पब्लिक आ गई थी, कम से कम 150 लोग थे वो पथराव करने वाले, और भयंकर तरीके से हमारे घर के ऊपर पथराव, कांच वाच फोड़ दिए, मोहल्ले में एक की गाड़ी भी जला दी। तब से तो हम लोग बहुत डर के जी रहे, खाना पीना हराम हो गया हमारा। मैम, आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अब आपके मीडिया पर्सन को मैंने ये देने के पहले भी सभी से इजाज़त ली है कि क्योंकि मेरा चेहरा आपके सामने आ रहा है,
आप बुरा मत मानिएगा, पर आप तो न्यूज लेकर चले जाएंगे, मुझे यहाँ ही रहना है। वो स्थिति आप समझ पा रहे हैं या नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि खरगोन की स्थिति फिलहाल में किस तरीके से है। मंथन, मैं आपके मन की चिंता समझ सकती हूँ और बहुत जायज़ ही आपने सवाल उठाया कि आज आप टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठे हैं या आप इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि आप ये बातें पूरे देश के सामने रख रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन के भीतर ऐसा भय है कि कल को आपको किसी तरह का ख़तरा हो सकता है या किसी तरह की परेशानी में आप पड़ सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि टाइम्स नाउ नवभारत के ज़रिए इस वक्त आपको न सिर्फ देश सुन रहा है बल्कि मध्य प्रदेश में सरकार, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी सुन रहे होंगे और आपकी सुरक्षा को लेकर जो ज़रूरी कदम होने होंगे वो ज़रूर उठेंगे। लेकिन मंथन, ये भी बताइए, क्या सरकार की तरफ से आप लोगों से क्या बातचीत हुई, किस कोई आपसे टच में है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कोई आपसे मिलने आया, शिवम की हालत को लेकर कोई बात करने आया? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक कोई मिलने नहीं आया है। उस दिन जब ये घटना हुई थी शायद एडिशनल एसपी साहब जगह का जायज़ा लेने आए थे कि क्या क्या हुआ है, शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता है कौन थे वो अधिकारी। उसके बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।